हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो ये है सुबह मॉर्निंग का ही टाइम है तो सभी को मेरी प्यार भरी गुड मॉर्निंग और इधर मैं कर रही हूँ आटा मतलब खाली कर रही हूँ जो कि आटा का पैकेट है उसको मैं आटे के बर्तन में ही कुरा रही हूँ और इधर मैं आटा इसमें कुरा दूँगी क्योंकि फिर मैं इसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊँगी क्योंकि बाद में अगर झाड़ू लगाने के बाद मैं इसमें आटा डालती तो फ्रेंड्स क्या होता है ना चारों तरफ थोड़ा थोड़ा तो आटा फैल ही जाता है तो फिर मैंने पहले आटा इसमें डाला फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी तो मैंने अभी चटाई वगैरह कुछ भी नहीं उठाया है रात में हम लोगों ने खाना वगैरह खाया तो वहाँ बस ऐसा ही चटाई छोड़ दिया था तो बस अब मैं उसको उठाऊंगी फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी सारा घर मुझे क्लीन करना है सारा सामान व्यवस्थित रखना है फ्रेंड्स और सर्दी इतनी बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है और सर्दी है कि अब दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है कम तो होने का नाम ही नहीं लेती है और वैसे भी पड़ेगी क्योंकि अब तो दिसंबर का लास्ट चल रहा है तो सर्दियाँ तो अब बढ़नी है तो फ्रेंड्स गेट वग़ैरह में सब बंद करके ही रखती हूँ सर्दी के टाइम पे क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और हमारी बालकनी में भी पर्दा वगैरह डले हैं और मैंने लाइटें खोल दी हैं हर जगह क्योंकि धुंध इतनी छाई हुई है कि मतलब बिल्कुल भी वैसा उजाला नहीं हो रहा था तो बस यहाँ मैं है ना इसको अपना जो हल्का बेड है ना दीवान है इसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी फिर ये मैंने कम्बल फ़ोल्ड किया है और मैं इधर सोफा वग़ैरह सारा क्लीन करने के बाद कम्बल तो ये मान लीजिए अभी मैं एक यहाँ रखती हूँ एक अंदर के रूम में भी रखती हूँ एक इस पर भी रखती हूँ क्योंकि अब तो है ना जब भी हम लोग बैठते हैं तो कम्बल तो पहले ओढ़ना ही पड़ता है क्योंकि सर्दी ही इतनी काफ़ी हो गई है तो ये सारा मैंने इधर है ना एक सा बिल्कुल साफ़ कर दिया है झाड़ कर क्लीन कर दिया है और कुशन मैंने कुशन की जगह ही लगा दिए हैं बिल्कुल सारा काम मेरा यहाँ पर सेट हो गया है फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पोछा लगाने के बाद फिर मैं यहाँ बिछा दूँगी कारपेट जो कि अभी भी बिछाऊँगी क्योंकि सर्दी काफ़ी हो रखी तो मैं इधर कारपेट भी बिछाऊँगी और साइड से मैं चटाई भी डाल दूँगी क्योंकि क्या है ना के पैर ठंडी नहीं होंगे ज़मीन पर और इस टाइम टाइल्स बहुत ज़्यादा ठंडी रहती हैं तो बस मैंने यहाँ कारपेट डाल दी है और इस टेबल को भी इसी की जगह हम रख देंगे तो अकेले तो टेबल नहीं रखी जाती तो मेरे बेटे ने और मैंने दोनों ने ही मिलकर इस टेबल को इधर रख दिया है और सारा काम मेरा एकदम से हो गया है मतलब झाड़ू वगैरह सारी लग चुकी है पोंछा लग गया है सब क्लीनिंग हो चुका है टोटल फिर फ्रेंड्स मैंने इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं नहाने भी जाऊंगी क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं है तो मैं अब नहाऊंगी भी नहाऊंगी क्या फिर मुझे याद आया अरे मुझे ये बकेट धोना है तो मैंने कहा चलो अब इसको भी हम लगे हाथ साफ ही कर देते क्योंकि ये भी गंदा हो जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है तो इसको भी मैंने जो स्टील का जूना आता है ना स्क्रब आता है तो बस मैं इसी से इसको अच्छे से रगड़ के साफ कर दूंगी और क्या होता है अगर हम है ना टाइम टाइम पर हर चीज़ की साफ़ सफाई करते रहते हैं तो फिर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है किसी भी चीज़ में और फ्रेंड्स इसके मैंने ना पुर्जे पुरजे खोल दिए थे वो मैंने आपको नहीं दिखा पाए हैं मैंने ये इधर है ना ड्राई वाला जो है ना इसका सिस्टम मैंने इसके पूरे सारे पुर्जे निकाल लिए थे फिर मैंने अच्छे से सारा क्लीन किया था और बस इसको मैं अच्छे से धो दूँगी और फिर है ना इसको मैं सूखने के लिए रख दूँगी और फिर मुझे है ना कपड़े भी धोने जो कि आपको साइड में दिख रहे हैं तो बस इधर मैं कपड़े भी धूँगी और इसको मैं साइड रख देती हूँ तो क्या है ना मुझे ये हुडी वगैरह बच्चों की धोनी थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा लिया है गर्म पानी और थोड़ा सा लिया है मैंने ठंडा पानी तो पानी हो गया है बिल्कुल नॉर्मल और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी ईजी क्योंकि बुलन के कपड़े हैं ना अगर हम है ना उससे धोते हैं सरफ़ या निरमा से किसी से धोते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं उनकी साइन चली जाती है तो हमें बुलन के कपड़े हमेशा इजी में ही धोना चाहिए तो ये फर वाली इनकी हुडी है तो इसको मैं इसी में धोऊंगी अच्छे से इसको और अच्छे से क्लीन कर दूंगी क्योंकि इसको है ना ज़्यादा पन रगड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी फिर फर खराब होने का डर रहता है तो बस मैंने इसी तरीके से टप में ही इसको मैंने मीड़ लिया है अच्छे से तो ऐसे भी कपड़े अच्छे से साफ होते तो फ्रेंड्स ये दोपहर का टाइम है आप देख सकते हो कि कितना कोहरा हो रखा है आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है बहुत भयंकर वाला कोहरा पड़ रहा है और ये सर्दी का पहला कोहरा पड़ा है हमारे यहाँ और आप देख सकते हो मतलब जो थोड़ी दूरी पर मकान है वो तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है और पानी में हाथ दे रहे हैं तो हाथ टपक रहे हैं तो फ्रेंड्स चारों तरफ देखिए आप इतना कोहरा है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है देख सकते हो बहुत भयंकर वाला कोहरा है और काफ़ी अच्छी सर्दी पड़ने लगी है साइड में भी देखो पौधों पर भी काफ़ी ओस पड़ी रखी है सारी पौधों की मिट्टी एकदम से गीली है इसमें खिलाता फ्लावर तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा उसका भी सूट कर लिया फिर मैंने ये सारी अपने गली का रिकॉर्ड किया है आप देख सकते हो गली में भी कितना कोहरा अंदर को घुसा घुसा हुआ दिख रहा है बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी तो बस फिर मैं इधर आई नीचे तो आज मैं बनाऊँगी बाटी दाल बाटी बनानी है और चोखा बना रही हूँ तो चोखा के लिए मैं इधर भून रही हूँ टमाटर और आलू तो सच बताऊँ फ्रेंड्स मैंने भुने नहीं है मैंने उनको बॉयल ही कर लिया है क्योंकि आलू भूनते नहीं बन रहा था इस पर तो मैंने आलूओं को नहीं भूना है तो इस पर मैं टमाटर भून लूँगी प्याज भून लूँगी और लहसुन भी भून लूँगी और एक हरी मिर्ची तो आप देख सकते हैं मैंने एक मिर्ची रख दी है और लहसुन रख दिया है और प्याज को और टमाटर हमारे भुन गए हैं इनको मैं अच्छे से भून लूँगी टमाटर प्याज लहसुन हरी मिर्ची मैंने सब कुछ छील लिया है और मैंने इसमें चॉपर में कर लिया है सभी चीज़ों को ग्रेट मैंने हाथ से नहीं मसला क्योंकि इसमें अच्छे से बारीक से हो गई हैं और इसमें अब मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक और मैंने जो आलू बॉईल किए थे वो भी मैंने ले लिए हैं और अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मसल के मिक्स कर दूंगी क्योंकि जो अपन हाथ से मसल के बनाते हैं वो टेस्ट एक अलग आता है और मैं मैसर से मसल के बनाते हैं वो टेस्ट अलग रहता है तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो बस ये सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं मेस आप देखिए बिल्कुल मैंने बारीक कर लिया और फिर मैंने किया था ये सरसों का तेल गर्म तो गर्म तेल में ही फ्रेंड्स मैंने डाल दी थी इसमें हींग तो ये अच्छे से इसमें सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं और अब मैं डाल दूंगी इसमें खूब सारा हरा धनिया और इसमें कुछ भी ज़्यादा डालने नहीं होते मसाले बिल्कुल सिंपल ही चोखा मैंने बनाया है क्योंकि बैगन हम लोग नहीं खाते हैं तो बैगन हमें अच्छा भी नहीं लगता है इसमें तो फिर बैगन नहीं डाला है नहीं बैगन भी इसमें डाला जाता है और फिर मैंने इधर रख दिया है बाटी बनने के लिए तो ये मैं इनको अलट पलट कर दूंगी और फिर इस अवन को मैं ढक दूंगी क्योंकि गैस पे मैंने बनाई है चूल्हे पे बनाने का मन था पर फिर बनाई नहीं सर्दी ज़्यादा हो रखी थी तो इस वजह से चूल्हे पर नहीं बनाया तो हमने इसी पे गैस पे ही अवन में बना ली और मैं इसको ढक देती हूँ तो फ्रेंड्स हमारी बाटी हो गई है तैयार और मैंने लगा ली है थाली तो सभी लोग आ जाइए हमारे साथ में गर्मा गर्म बाटी और दाल चोखा आइए एन्जॉय कीजिए और वाकई में काफ़ी टेस्टी बाटी बनी थी और मन भी एकदम से खुश हो गया था बच्चे भी एकदम खुश हो गए थे क्योंकि सर्दियों में ये चीज़ें खाने का मन ही होता है तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरीके से बाटी बनाकर देखना और बहुत ही इजीत तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीका है और मैं दिखा रही हूँ एक एक बाटी आपको दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी मतलब बनी हुई हैं बस इसी के साथ हमारी वीडियो को होता है एंड कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ तब तक बाय बाय